नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था फील्ड के बारे में, फील्ड क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और फील्ड कितने प्रकार का है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। फील्ड क्या होता है मैंने बताया था, जैसे अगर कोई फिजिकल एंटिटी है कहीं पर तो वो अपना प्रभाव शो करेगी, अगर वो अपना प्रभाव शो कर रही है तो इसका मतलब वहां पर फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर कोई चार्ज है तो चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करेगी जो कि किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। तो जहां पर चार्ज होगा वो स्पेस के अंदर अपना प्रभाव शो करेगा, तो उसको फील्ड कहते हैं। चार्ज नहीं लेके आप दूसरी कोई एंटिटी ले लो, फिजिकल एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो लाइट का बल्ब ले लो सपोज, तो लाइट एनर्जी है तो जहां तक लाइट जा रही है वो उसका फील्ड हो गया एक तरह से, यानी जहां तक लाइट जा रही है वहां तक आपको वो जो चीजें वो दिखाई देगी, क्योंकि अगर लाइट विजिबल है तो आपको दिखाई देगी, और अगर लाइट नहीं जा रही तो वहां पर आपको जो है वो चीजें दिखाई नहीं देगी। तो जहां तक लाइट जा रही है वो उसका प्रभाव क्षेत्र है, वो फील्ड है। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे पार्टिकल पर जो फोर्स लगाता है अगर वो उसकी रेंज में है तो वो फील्ड कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड, उसकी रेंज में नहीं है तो उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से फील्ड को हमने देखा था। तो फील्ड भी दो प्रकार के बताए थे, एक स्केलर फील्ड और दूसरा वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड क्या था, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, या ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके, वेक्टर फील्ड के, जहां पर पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स की बात होगी, फील्ड है तो फोर्स होगा, और फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो फील्ड होगा वो आपका क्या है, वेक्टर फील्ड। और स्केलर फील्ड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे हीट है, हीट है या पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है वो क्या है, स्केलर फील्ड है। हीट है वो क्या है, एक तरह से स्केलर, जैसे टेम्परेचर है, तो ये सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड है, इससे पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट क्या बताया था, ग्रेडियंट अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो फिजिकल, अगर ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो आपका फील्ड कौन सा होगा, स्केलर फील्ड। तो अगर स्केलर फील्ड किसी एक डायरेक्शन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट। समझ आ रही है, जैसे कि पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर सकते हो अगर आपको पोटेंशियल का वेरिएशन पता है, तो पोटेंशियल जैसे डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स अगर चेंज हो रहा है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो ये ग्रेडियंट की बात, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि स्केलर जो आपका फील्ड है वो किसी एक डायरेक्शन में चेंज हो रहा है और उसका जो चेंज है उसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस को इसलिए कहते हैं अपसरण, ठीक है। डाइवर्जेंस वैसे अगर आप इसको वैसे फिजिकली समझना चाहो तो डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है, एक होता है कन्वर्जेंस, एक होता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब फिजिकली अगर आप सोचे तो क्या, कुछ चीज बाहर निकल के आ रही है, यही होता है ना। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्ज हो रही है, विसरित हो रही है, अपसरित हो रही है एक तरह से, है ना। और कन्वर्जेंस इसका उल्टा होता है कि वो चीज अंदर की तरफ जा रही है ना। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस क्या शो करता है कि किसी वेक्टर फील्ड के अंदर, वेक्टर फील्ड है यानी फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये कहता हूं कि कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज अगर है तो वहां पर क्या होगा, फील्ड होगा। तो फील्ड जो है किसी एक पॉइंट से निकल के जा रहा है बाहर की तरफ तो वो क्या कहलाएगा आपका, डाइवर्जेंस, ठीक है। और डाइवर्जेंस जो है वो डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर फील्ड चाहिए। अगर वेक्टर फील्ड नहीं होगा तो डाइवर्जेंस डिफाइन नहीं होगा। जैसे कि इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, वेक्टर फील्ड है। तो किसी एक रीजन से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही है तो ये क्या कर रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो उस केस में आपको जो इसका जो डाइवर्जेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसको और बाद में देख लेंगे, वैसे ये मैं इसको लास्ट बार समझा दूंगा। तो कहने का मतलब क्या, डाइवर्जेंस जब भी हम वर्ड जो है डाइवर्जेंस जब भी सुनते हैं या जब भी हम उसको समझते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर फॉर्म में है और वो किसी एक पॉइंट से जो है या तो लीव कर रही है या एंटर कर रही है, यानी कि
उसका जो कुछ किसी एक पॉइंट पर या तो वो एंटर करेगी या लीव करेगी, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आपको मिलेगी, वो क्या कहलाएगा आपका डाइवर्जेंस। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक पैरेलल ऑफ पाइप लेते हैं पी क्यू आर एस और पी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कोई वेक्टर क्वांटिटी ले रहा हूँ ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो किसी पॉइंट ओ प्राइम पर अगर मुझे इसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं तो मैं मान लेता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स वाई जेड जो डायरेक्शन है उसके अलग इसके कंपोनेंट क्या है ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। अब थोड़ा समझ के देखते हैं यहां से कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में ए एक्स, अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या इस डायरेक्शन का वेरिएशन देखें तो क्या आएगा ए एक्स से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि उसका वेरिएशन देखो डिस्टेंस के साथ में क्या आ रहा है डेल्टा ए एक्स बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। और अगर पैरेलल पाइप की मैं साइड लेंथ लेता हूं यहां से यहां तक डी एक्स, ये वाली आपकी डी वाई और ये हो गया डी जेड, तो मिड पॉइंट से यहां तक चलने पर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है डी एक्स बाई टू, अगर ये डी एक्स बाई टू है तो जो वेरिएशन आएगा ए एक्स के अंदर यहां से यहां तक जाने में वो कितना आएगा डेल्टा ए एक्स बाई डेल्टा डी एक्स बाई डेल्टा एक्स इंटू डिस्टेंस डी एक्स बाई टू। तो इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, एक तरह से फ्लक्स बढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है। जिसको ऐसा समझ लो ना कि सर यहां से पानी बह रहा है, तो अगर आप पानी बहने की डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपको इस डायरेक्शन में चीजें जुड़ती हुई मिलेंगी, अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो क्या होगा घटेगी चीजें। तो यहां पर अगर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो डिस्टेंस मुझे क्या मिलेगी माइनस का डी एक्स बाई टू, तो जो यहां पर प्लस आ रहा था वो इस केस में यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पर मिलेगा ए एक्स माइनस का डी एक्स बाई टू इंटू डेल्टा ए एक्स बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट अगर आपको समझ में आ गए तो इसी प्रकार से बाकी डायरेक्शन में भी आप निकाल सकते हो, ए वाई के कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन और इसी प्रकार से जेड डायरेक्शन में ए जेड कंपोनेंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ए एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में दो कंपोनेंट इसी प्रकार से आप ऊपर नीचे मतलब वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, तो डाइवर्जेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए फ्लक्स। डाइवर्जेंस को जब भी डिफाइन करते हैं तो फ्लक्स की डेफिनेशन दिमाग में रहनी चाहिए। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को कैसे परिभाषित करते हैं, जिस वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं उसका वेक्टर और उसका एरिया क्या डॉट प्रोडक्ट जो भी होगा उसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है फ्लक्स। अब इसको मैंने याद लिख रखा है आप समझ सकते हो, जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं तो आप कैसे लिखते हैं E डॉट ds वेक्टर, ऐसे लिखते हैं, तो ये आपको क्या देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इन जनरल अगर लिखना चाहें तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी, जो वेक्टर फील्ड ले रहे हो आप जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये कोई भी वेक्टर फील्ड हो सकता है, ए वेक्टर लिखा मैंने इसको, और एरिया जिसमें से वो फ्लक्स पास हो रहा है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और टोटल फ्लक्स निकाला तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो ए डॉट ds क्या शो कर रहा है फ्लक्स को। तो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगा डाइवर्जेंस, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम किसी पॉइंट पर वो क्या कहलाएगा डाइवर्जेंस, ये बात समझ में आ रही है। तो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या है कि किसी दिए गए पॉइंट जैसे ओ प्राइम पर मुझे डाइवर्जेंस निकालना है, तो ओ प्राइम पर डाइवर्जेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूं कि वहां पर फ्लक्स कितना पास हो रहा है उस पॉइंट से वो फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं, और उस पॉइंट का जो उस पॉइंट पे निकालना है ना तो जिस एरिया का निकाल रहा है उसका वॉल्यूम जो है उससे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम निकल जाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकलेगा क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हो ना, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है डाइवर्जेंस की, आपको फ्लक्स निकालना है और जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड करना है तो आपको मिल जाएगा डाइवर्जेंस, जिस भी फील्ड का निकालना है उस फील्ड का डाइवर्जेंस। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है इसी सदिश क्षेत्र ए, अब ए में देखो कंपोनेंट लिखा एक्स वाई जेड क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, अगर आपका सिस्टम कैसा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वैसे ज्योमेट्री हम कैसे ले रहे हैं, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाइज ले रहे हैं तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट आएंगे। अगर हमारी प्रॉब्लम इस प्रकार की है जहां पर हमारा जो सिस्टम है वहां पर जो कोऑर्डिनेट है वो एंगुलर फॉर्म में चेंज हो रहे हैं तो वहां पर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे,
या अगर सुटेबल है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इजीली समझने के लिए हमने लिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो फील्ड है आपका वो एक्स वाई जेड में जो है परिवर्तित हो रहा है। तो किसी सदिश क्षेत्र ए में स्थित अल्पांश आयतन डी वी, ये जो मैंने पहले जो बनाया है इसका जो वॉल्यूम निकालोगे क्या आएगा, ये है डीएक्स, इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ है डीएक्स, ये हो गया डी वाई और ये हो गई लंबाई डी जेड। तो वॉल्यूम क्या आएगा, डीएक्स डी वाई इंटू डी जेड, तो डी वी क्या हो जाएगा आपका डीएक्स डी वाई डी जेड। तो इस अल्पांश आयतन को परिबद्ध करने के लिए जो एरिया पूरा कवर हो रहा है इसमें से जो निर्गत कुल फ्लक्स है, जो निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होगा उस फ्लक्स की मात्रा को सदिश क्षेत्र का अपसरण कहते हैं। बात समझ में आया, यानी कि फ्लक्स जो निकल रहा है पर यूनिट वॉल्यूम वही डाइवर्जेंस। बात समझ में आ रही है, फ्लक्स को अगर आप फिजिकली समझ सकते हो तो डाइवर्जेंस को भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन ये चीज कैसे आई या डाइवर्जेंस क्या है वो समझ लेते हैं। तो हमने ये जो डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम के अंदर आपको देखो एक फेस ये दिख रही होगी, ये वाली फेस, और एक फेस ये वाली दिख रही है। तो इस फेस से मैंने जैसे बताया ना ये कंपोनेंट कैसा है, इस फेस से निकलने वाला जो वेक्टर कंपोनेंट होगा उसमें जो इंक्रीमेंट आएगा वो क्या है, ए एक्स प्लस डी एक्स बाई टू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स। इसी प्रकार से इस फेस से जो एंटर करेगा वो कितना है, ए एक्स माइनस डी एक्स बाई टू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स, ठीक है। अब अगर ये पता चल गया कि ये कंपोनेंट क्या है ये कंपोनेंट क्या है, तो इन दोनों का अंतर निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स कितना निकल रहा है, समझ आ रही है। अब आप सोचो जैसे अब मैं इस डायग्राम को समझाता हूँ, मान लीजिए चार्ज अंदर पड़ा है, अगर चार्ज अंदर है तो सोचने वाली बात है कि चार्ज पॉजिटिव होता है फ्लक्स बाहर ही निकलेगा, तो उस केस में नेट फ्लक्स जीरो होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन अगर ये वाला केस देखते हैं जिसके अंदर चार्ज पड़ा है बाहर, तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही तो बाहर निकलेगा, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। समझ आ रही है, इसलिए डाइवर्जेंस जीरो होगा क्योंकि फ्लक्स जीरो है, और यहाँ पर फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो डाइवर्जेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। इस केस में देखो कि फ्लक्स जो एंटर कर रहा है तो इसलिए डाइवर्जेंस क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो मैं अगर फेस आर एस पी यू ले रहा हूं, कौन सा आर एस पी यू, इस फेस से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस डी एक्स बाई टू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स, यानी कि इस फेस से निकलने वाला जो या इस फेस से जो जो कंपोनेंट है ए एक्स उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, तो ये है। इसी प्रकार से आप इस फेस के अंदर देखें तो कितना आएगा, ए एक्स माइनस डी एक्स बाई टू इंटू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स। तो ये इक्वेशन वन और टू आपको अगर समझ में आ गई, इसी प्रकार से हम वाई डायरेक्शन में लिख सकते हैं, जेड डायरेक्शन में लिख सकते हैं, यहाँ तक ठीक है। तो ये हो गया आपके ए एक्स ए वाई और ए जेड के कंपोनेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो। अब आगे चलते हैं, तो जो फ्लक्स की डेफिनेशन है वो क्या है कि कितना फ्लक्स यहां से बाहर निकल रहा है और कितना फ्लक्स यहां से एंटर कर रहा है उनका अंतर निकाल लो तो आपको नेट फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो फ्लक्स लीविंग माइनस फ्लक्स एंटरिंग, तो फ्लक्स लीव कितना कर रहा है। अब देखो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, जो वेक्टर ले रहे हैं उसको एरिया से मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहां पर अगर आप वैसे निकाल के देखें इंटीग्रेशन के बिना तो क्या आएगा, एरिया और जो फ्लक्स आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो जो एरिया है डीएस वो क्या हो जाएगा, यहां पर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इसका जो मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एरिया आएगा। तो ये वाली लेंथ कितनी है dz और ये वाली कितनी है dy, तो एरिया क्या आएगा dy * dz, एरिया क्या आएगा dy * dz और कंपोनेंट क्या आएगा a का ax प्राइम, ठीक है। तो ax प्राइम dy dz हो गया फ्लक्स लिविंग और ax डबल प्राइम dy dz क्या रहेगा फ्लक्स एंटरिंग, तो इन दोनों का अंतर निकालना तो phi x निकलेगा। इसको हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है हमारी इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से यहां पुट करेंगे, पुट करने के बाद में देखो ये ax वाली टर्म जो है ये कट जाएगी, ax वाली टर्म क्या हो जाएगी कट जाएगी, और कटने के बाद में जब उसको सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगी आपको डेल्टा ax / डेल्टा x dx dy dz यही मिलेगी। अब ये जो dx dy dz है मैंने आपको बताया ना कि इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम निकालोगे क्या आएगा, dx / dy / dz,
तो ये लिखा यहाँ पर जैसे डी एक्स डी वाई डी जेड, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह डी वी लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर आप फाई अलोंग वाई डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा फाई वाई इक्वल टू, देखो ये एक्स कंपोनेंट है ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा, बाकी वॉल्यूम से वही रहेगा ठीक। इसी प्रकार से जेड डायरेक्शन निकालेंगे तो डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा जेड डी वी, तो आपको x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में या z डायरेक्शन के अलोंग निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू पता है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा इन तीनों को क्या करो ऐड कर दो, तो टोटल फ्लक्स कितना निकला तो पाई x प्लस पाई y प्लस पाई z ठीक है। तो फ्लक्स को तो हम ऐसे लिखते हैं ना a डॉट ds, तो a डॉट ds इक्वल टू इन तीनों को ऐड कर दो तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा आपके पास, तो आपने जब इनको ऐड किया तो हमें ये चीज मिलेगी इनटू dv यहाँ तक ठीक है। अब डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या है, ये है डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या रहती है कि जो फ्लक्स निकल रहा है पर यूनिट वॉल्यूम वही तो डाइवर्जेंस है, तो आप क्या करो वॉल्यूम से इसको डिवाइड करो, तो जब आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ये डी वी हट जाएगा, तो आपको डाइवर्जेंस क्या मिलेगा ये, तो ये हो गया डाइवर्जेंस। आप किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस क्या होगा उसके कंपोनेंट फॉर्म में आपको मिलेगा इस तरह से ठीक है। इसको और इस तरह से लिख सकते हैं, देखो डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा जेड को मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं, आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड डॉट प्रोडक्ट विद ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, देखो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, आई कैप के साथ हो जाएगा वन और i कैप का j कैप और k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ही मिलेगा ठीक है। तो ये जो चीज लिख रही है ब्रैकेट के अंदर i कैप डेल बाय डेल x प्लस दिस इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, इसको डेल लिख सकते हैं, और ये जो चीज आपको मिल रही है ये है प्योरली a वेक्टर जिसके कंपोनेंट लिखे हुए हैं ax ay az x y z डायरेक्शन में, तो इसलिए डाइवर्जेंस a की डेफिनेशन ये हो सकती है मैथमेटिकली डेल डॉट a वेक्टर। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायवर्जेंस निकालना है तो उसका सिंपल क्या करना है डेल ऑपरेटर के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना है, आपको मिल जाएगा डायवर्जेंस ठीक है। और ये चीज मैंने आपको समझाई थी कि चार्ज अगर पॉजिटिव है और किसी एरिया के अंदर है तो चार्ज जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस है वो चार्ज से निकलेगी वो बाहर की तरफ निकलेगी, तो इसलिए जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा नेट फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, इस केस में नेट फ्लक्स क्या आएगा नेगेटिव क्योंकि फ्लक्स एंटर कर रहा है, यानी ये सोर्स का काम करेगा ये सिंक का काम करेगा। ये तो बोला ना सोर्स मतलब क्या होता है जहां से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती है, सिंक क्या होता है जहां पर लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर कर रही है ठीक है, और यहां पर ना कोई सोर्स है ना कोई सिंक है क्योंकि चार्ज बाहर पड़ा है, तो जितना एंटर करेगा उतना ही लीक करेगा, तो नेट जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा जीरो, इसलिए जो डाइवर्जेंस निकलेगा देखो डाइवर्जेंस क्या है डेल डॉट ए तो डेल डॉट ई वेक्टर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है ये क्या होगा जीरो, लेकिन इस केस में आएगा पॉजिटिव और इस केस में आएगा नेगेटिव ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो ठीक है।